नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है मध्य प्रदेश पुलिस के जवान विकास पाठक भाई। तो फ्रेंड्स, हमारे जो विकास भाई हैं बड़े ही स्पेशल टैलेंट से युक्त हैं, तो अभी वो टैलेंट इनका बाद में बताएंगे। सबसे पहले वो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि किस टाइप से जॉब में लगे, तैयारी कैसे हुई, विकास भाई से वही मेरे जो क्वेश्चन से मैं पूछूंगा। तो विकास भाई, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड। एजुकेशन में मैंने BA करा है और BA भी मैंने हिंदी से करा है, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, और यही किया है। और डिप्लोमा किए हैं, कंप्यूटर स्टेनो कर रखा है, स्टेनो हिंदी शॉर्ट हैंड जो बोलते हैं। यार वो एक चीज़ बता दो, वो बंद करते कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानना है, मुझे खुद को इनफैक्ट पता नहीं है। जब मैंने स्टेनो किया था उस समय तो 12वीं ही स्टेनो से होती थी, स्टेनो टाइपिस्ट बोलते हैं जिसको, वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम, उसके तहत 11वीं भी होती थी और 12वीं, जैसे मैथ्स से 12वीं होती है, बायोलॉजी से 12वीं होती है, इसी प्रकार स्टेनो टाइपिंग से भी 12वीं होती है, जिसमें अपना पत्र व्यवहार, पर्यावरण प्रदूषण, हिंदी इंग्लिश, इस टाइप के सब्जेक्ट उसमें भी रहते हैं। हाँ। तो मैंने स्टेनो कर रखी थी और टाइपिंग भी किया और कंप्यूटर। तो 12th में भी एक सब्जेक्ट आता है इस टाइप का लेने का। हाँ। जिसमें स्टेनो का ले सकते। बिल्कुल, मैंने भी आज पहली बार सुना है। बिल्कुल, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत। एमपी बोर्ड से ना। चलो अच्छा है फ्रेंड्स, जिनको अगर स्टेनो की तैयारी करनी है आगे, तो ये 12th अगर किसी को आर्ट से अच्छे करने से अच्छा तो इससे ही कर लो 12th। उसमें क्या है, उसमें कंपटीशन कम रहता है। मेरे जब मैंने ये तैयारी करी थी उस समय तो जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, 95% मेरे फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब में आ गए जिन्होंने स्टेनो टाइपिंग कर रखी थी। 95% लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में। सही है। विकास भाई, कौन सी बैच के हो? मैं 2010 बैच का हूँ, जुलाई 2010 में मैंने यहाँ आमद दे दी थी उज्जैन में। तो 2010 से उज्जैन में ही हो ना पोस्टिंग? तभी से। इतने लंबे टाइम रहेगा, गजब यार। तो पुलिस में तो ट्रांसफर बहुत होते हैं। हाँ, पहली पोस्टिंग थी मेरी तराना, मतलब उज्जैन जिले में ही। उज्जैन जिले में ही थे, तराना 5 साल रहा, उसके बाद दूसरी पोस्टिंग हमारी कोतवाली। अच्छा। सेंटर। चलो बढ़िया है। और अपनी यार विकास भाई, अपनी स्ट्रगलिंग का बताओ कि जैसे एजुकेशन तो अपन ने कर लिया, उसके बाद सरकारी में कूदने की जो मेहनत रही है वो बताओ। मेहनत तो ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि 18 साल का हुआ और 18.5 साल पे तो जॉब में आ गया था, पहली भर्ती थी, तो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ी। जो 12वीं तक मैंने जो पढ़ा था, और 3 महीने की कोचिंग थी हमारी भिंड जिले में, हमारे गुरु हैं ब्रह्म दुबे सर, उनके यहाँ मैंने 3 महीने की कोचिंग की थी। उसके बाद पुलिस की भर्ती आ गई और पुलिस में फार्म डाला, तो हो गया। इसमें मेहनत तो करी होगी, पर एक चीज़ है कि मेहनत क्या है, इससे पहले हम पुलिस की पुलिस से पहले मैं उसकी कोर्ट की तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ, कोर्ट की मतलब बीच में चल रही थी 12वीं के साथ। मैंने 12वीं से ही स्टार्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे जो कज़न ब्रदर हैं बड़े भाई, उनके वो स्टेनो पढ़ाते हैं, उनकी खुद की कोचिंग है, स्टेनो पढ़ाते हैं और वो खुद भी स्टेनोग्राफर हैं, मजिस्ट्रेट के भिंड जिले में ही हैं। तो उनका क्या है कि वो बताते गए और हम करते गए, उनका बहुत रोल रहा है। तो कोर्ट की तैयारी थी, हमारा एक फ्रेंड था, बोले पुलिस की भर्ती आ गई, इसमें देख लो, एज भी हो गई थी 18.5 साल का मांगते हैं, और पुलिस में तो वैसे भी 12वीं चाहिए। पुलिस की भर्ती देख ली मैंने और वो ही लेके आया था, खासकर फॉर्म भी वही लेके आया। बोले कि एक काम कर, तू तो कोर्ट में भर्ती होगा, कोर्ट में तेरे को तो बाबू बनना है और बाकी मेरे को पुलिस बनना है। हालांकि हमारे ज़िले में पुलिस का जो क्रेज है वो भिंड जिले में बहुत है, बाबुओं की अपेक्षा। आर्मी, हाँ, पुलिस का क्रेज बहुत है, वर्दी होनी चाहिए बस, वर्दी है तो सब कुछ है, और क्योंकि एक जज्बा है देशभक्ति का या जनसेवा का, कुछ भी कह लो। एक भिंड मुरैना साइड में वो क्या बागियों का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा लोगों को पुलिस का भी बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला कि थोड़ी बहुत रनिंग कर ले और अपना हो जाएगा इसमें, तैयारी तो तुम्हारी वैसे भी, क्योंकि GS वगैरह अच्छी तैयारी कर रखी थी, 12वीं भी चल रही थी मेरी, और प्लस मैं बड़े भाइयों के साथ में कंपटीशन एग्जाम भी 12वीं से ही शुरू कर दिया था मैंने। तो जैसे ही पुलिस की भर्ती आई, उसमें फार्म डाला और हो गया।
यार एक चीज़ तो है कि 2010-12 के आसपास उस टाइम कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ करता था आज के ज़माने के मुकाबले। आज के टाइम में तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कंपटीशन देखो हर दौर में अपना अपना अलग कंपटीशन होता है। उस दौर में उस हिसाब से कंपटीशन था, कंपटीशन तो रहता है हर दौर में रहता है। सही तो अब तो यार अब तो बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि अब तो ग्रेजुएशन PhD करे हुए तक कांस्टेबल आरक्षण के फॉर्म भरते बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी अगर आई लेवल इंस्पेक्टर मैंने लगी होती तो मैं भी कांस्टेबल की एकदम जोर तोड़ से देता मैं। तो खैर फ्रेंड्स मैं तो एक चीज़ मानता हूँ नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। ईमानदारी से मेहनत करो तो बिल्कुल मिलेगा और अच्छा मिलेगा, जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ पता है कि पूरी पुलिस का जो बोझ जो रहता है ना केवल आरक्षक के पद पे ही रहता है मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि जो हायरार्की रहती है और काम तो अल्टीमेटली करना ही पड़ता तो है। कहते हैं ना कि पुलिस में जो रीढ़ की हड्डी है वो पुलिस कांस्टेबल है। सही है सही तो रहा हूँ, मैंने 12वीं के साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक डेढ़ साल तो लगा होगा। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा लक भी उसमें मायने रखता है। बिल्कुल लक, मैं तो लक को बिल्कुल मानूंगा। उस टाइम रनिंग के क्या क्राइटेरिया रहते थे? रनिंग 2:50 में 800 मीटर दौड़ थी उस समय, क्योंकि फिर मेरे बाद तो 2:40 भी बीच में कर दी थी। मेरे समय 2:50 में थी और उस समय 2:38 के समथिंग रनिंग निकाली थी। गोला भी था पहले, गोला वगैरह और लंबी खूंद, इंटरव्यू भी था बीच। इंटरव्यू भी होता था? बिल्कुल, हमारे समय इंटरव्यू भी था। अच्छा तो रनिंग की तैयारी कैसे करी यार? मैं खुद रनिंग में रहा हूँ तो रनिंग पूछता जरूर हूँ मैं। रनिंग तो पहले क्या वजन कम था, हाँ फिट भी थे और दोस्तों के साथ में ग्राउंड पुलिस लाइन के पास में मकान था अपना वहीं भिंड में, तो रनिंग करते रहते थे। तो रनिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई है, हालांकि गोला फेंक में दिक्कत ज़रूर आती थी। तो जब हमने 15 दिन की तैयारी करी वहीं ग्राउंड पर, तो एक हमारा मित्र था उसके पास गोला था, तो वहीं गोला की जरूर तैयारी करी। तो बिल्कुल फिक्स 20 के समथिंग मांगते हैं तो 22 फिट गिरा था बस। 2 फिट भी बहुत होता है ये। सही आ रही है। तो मेहनत गोला फेंक की कैसे मेहनत करी? ऐसे कहीं नहीं, वो ट्रिक बताते हैं इस टाइप से कैसे रखते हैं उसमें, यहाँ गद्दी पे ना इस पे पूरा पीछे ले जाओ ना। अब यहाँ तो खैर कैसे बता पाऊँगा, एक ट्रिक रहती है उसमें। सही, पर हाथों में दम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 7.5 किलो का था ना? हाँ सही है। और उसके बाद फिजिकल का एक कुछ थोड़ा बच्चों को मूल मंत्र बता दो, एक अपने हिसाब से बताओ जो अपना अनुभव रहा है कि एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ में फिजिकल की तैयारी करते रहें कि पास होने के बाद में करें। फिजिकल तो मेरे हिसाब से हमेशा करना चाहिए एग्ज़ाम के, ये तो यदि एग्ज़ाम की तैयारी जो नहीं भी कर रहा उसको भी करना चाहिए। फिजिकल तो अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। सही है, क्योंकि बीच में जब मैं तराना में था तो अब क्या है कि फिट आया था पुलिस विभाग में और ट्रेनिंग तक फिट रहा। ट्रेनिंग जैसे ही अपनी पास आउट हुआ और जब मैं अपने ज़िले में वापस आया और तराना मिला मेरे को, वहाँ पे एकदम मेहनत कम हो गई हमारी। फिर क्या है, बाइक से ड्यूटी करना, अपने पॉइंट ड्यूटी करना जो भी है, गश्त वगैरह भी जैसे करते हैं तो आजकल तो बाइक से ही सभी लोग गश्त करते हैं, तो वो मेहनत पूरी बंद हो गई। घूमने फिरने की थी हालांकि, पर वो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है। तो जब फिजिकल अपनी तैयारी छूटी तो वेट बढ़ने लगा। अभी भी कहाँ इतना ज़्यादा है, एकदम फिर भी लगता है कि थोड़ा और कहीं से कहीं तक अनफिट दिख रहा है क्या? अरे नहीं, फिर भी लगता है कि थोड़ा और कम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पेट बढ़ा आप जैसे ही लोग टोकने लगते हैं, ये क्या है? सही है, पर पुलिस की जॉब है तो फिजिकल फिट तो होना चाहिए। सही। और पढ़ाई के साथ साथ यदि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यदि शुरू से ये आदत डाल लें और लास्ट तक अपने जीवन के लास्ट तक ये आदत, क्योंकि एक ना एक दिन आपको ग्राउंड में आना ही पड़ेगा, चाहे 25 के बाद या 30 के बाद या 35 के बाद आपको ग्राउंड तो पकड़ना पड़ेगा, तो छोड़ो क्यों? सही बात है। तो उसको छोड़ो क्यों? ग्राउंड पे आध घंटा, 24 घंटे में मात्र आध घंटा देना है आपको, और आध घंटे में ही आपका ये समझ लो कि बेड़ा पार हो जाएगा। और फिजिकल के जब आप रनिंग करके या कोई फिजिकल की तैयारी करके ग्राउंड करके आप जब पढ़ने बैठते हो तो एक अलग ही फील आता है। हाँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल,
वो अलग लगती है, सही बात है यार। तो उसके बाद में ट्रेनिंग का अनुभव बताओ यार विकास भाई, फिजिकल भी। अरे इंटरव्यू तो रहेगा, इंटरव्यू बता, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे थे? इंटरव्यू तो जैसे ही मैं गया तो अधिकारी लोग बैठे थे, बस वहाँ नमस्ते करा, बैठने के लिए बोला उनने। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इतनी जल्दी आप क्यों आ गए इधर कम उम्र में? हाँ, क्योंकि उस समय क्या, एक तो जो रोम टाइप का था, यहाँ दाढ़ी तो थी नहीं, पीले पीले थे रोम थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी ठीक से। हाँ, तो वहाँ जो एक अधिकारी थे उनका शायद बालक मेरी एज का था। हाँ। तो बोले इतनी कम उम्र में क्यों आ गए, अभी और तैयारी करो, इस टाइप से उनने बोला। तो मैंने बोला श्रीमान बेरोजगारी बहुत है और हमारे यहाँ तो क्या है कि पिताजी वगैरह परिवार के जो लोग हैं उनका तो एक ही मूल मंत्र है कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी हासिल करो, तो बस इसके तहत हमने फार्म डाल दिया और यहाँ तक आ गए हैं सर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी योग्यता पूछी, तो उस समय मैंने बीए नहीं किया था, बीए मैंने प्राइवेट किया है, तो क्योंकि 12वीं था और स्टेनो वगैरह उस समय थी, तो फिर उन्होंने स्टेनो से वो लिखवाया मेरे से, बोले अच्छा शॉर्ट हैंड बोले आपको स्टेनो आती है? मैंने बोला जी। तो फिर उन्होंने लिखवाया मेरे से, तो हालांकि एक दो शब्द लिखवाए, बाकी मैंने टाइपिंग का डिप्लोमा भी लगाया था, टाइपिंग भी कर रखी थी, तो उन्होंने जो कंप्यूटर बगल में रखा था वो चलवाया था, बोले कि इसमें लिख के बताओ, जो भी एक डिक्टेशन टाइप की उन्होंने दे दी, तो वो टाइपिंग करके बता दिया। और तीन क्वेश्चन पूछे थे, वो भी करंट अफेयर्स के, उस समय बराक ओबामा जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना था 2008 में, तो उनसे रिलेटेड था, और हिस्ट्री का था एक, तराइन का प्रथम युद्ध वो। हाँ, तो बस दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद वेरी गुड बोल के वापस कर दिया, और ज़्यादा टफ नहीं था। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है, खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है, न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग, आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। इंटरव्यू का तो मतलब ठीक रहा वो, और एक क्या बच्चा टाइप का था तो उसका भी फायदा मिला, और मेन फायदा तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन फायदा मुझे स्टेनो और टाइपिंग का मिला। जो हमारे जैसे भाई हैं, यदि अपनी तैयारी जो पुलिस की या किसी अन्य जॉब की कर रहे हैं तो वो टाइपिंग और कंप्यूटर तो कर ही लें, सही है, क्योंकि हर चीज़ में ये चीज़ हर चीज़ में मांग रहे हैं ये, अब तो मांगने ही लग गए, बिल्कुल तो कंपलसरी कर दिया, और मेरे को पुलिस में यही फायदा आज तक फायदा दे रहा है, ये चीज़ आज भी फायदेमंद है, तो ये कर लेना चाहिए। टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, मतलब जो अपने पास यदि टाइम फ्री का है तो उस टाइम में अपन को हर चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज कहीं भी जाओगे ऑलराउंडर की पूछ है, किसी की पूछ नहीं है, ऑलराउंडर हो कोई भी रख लेगा अपनी टीम में, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो चाहे हॉकी की हो, सही बात है, हर चीज़ कर लेना चाहिए। सरकारी एग्जाम तो आप कौन सी वैकेंसी है अपन तो ये भी नहीं जानते, बिल्कुल, कोई बच्चा आरक्षक का सोच रहा, पता चला ASI में आ गई जिसमें शॉर्ट हैंड मांग रखा हो, बिल्कुल, तब फिर अलग आ जाएगी दिक्कत किसी को, और वो बहुत के कोर्सेज सब, फिर मेरे सही बात है कर लेना चाहिए बिल्कुल। और फिर विकास भाई अपनी ट्रेनिंग का बताओ है। ट्रेनिंग 2011 में PTS उमरिया, नया जिला था अपना, उमरिया में भी उमरिया PTS, तो उमरिया में ट्रेनिंग की मैंने, और सभी जिलों से लड़के आए थे, बढ़िया लगता है ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में ज़्यादा कोई इतना मतलब, जब हम पास आउट हुए थे तो हम जो दोस्त लोग थे आपस में हम सब इतने भावुक हो गए थे कि ये लग रहा था कि ये पीरियड है ना और बढ़ना चाहिए ट्रेनिंग का पीरियड। हाँ, क्योंकि क्या है कि एक बैरिक मिल जाती है, बैरिक में हर एक बैरिक में 30-32 लोग अपने जो साथी रहते हैं वो साथ में ही लेटते हैं, एक पलंग मिल जाता है, हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना,
टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ाई, वहाँ कानून वगैरह की जो पढ़ाइयाँ चलती थी वो टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे सिस्टमेटिक। फिजिकल के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना, उस फिजिकल इतना करवा देते थे कि यूं ही अपना बेहतरीन हो जाए। तो सुबह कितने बजे उठाते थे? सुबह तो 4 बजे भजन लग जाता था, सुबह 4 बजे भजन लग जाता था और लड़कों की नींद उठ जाती थी। जैसे नींद खुली बस उसके बाद सब फ्रेश होने चले गए, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहाने चला गया, मतलब 6 बजे तक हर हालत में आपको ग्राउंड पे लगना है। और नहीं लगे तो पनिशमेंट? हाँ बिल्कुल, नहीं लगे तो आपको 2-3 चक्कर ज़्यादा दौड़ना है इन लोगों से। यार एक चीज़ मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ट्रेनिंग पे छुट्टी किन किन कंडीशंस में मिल पाती है? ट्रेनिंग में वैसे तो छुट्टियाँ कम मिलती हैं, पर वो तो कारण यदि हमारे जो अधिकारी उनको लगता है कि हाँ इसको छुट्टी देना चाहिए तो मिल जाती है, ऐसा नहीं है, कारण होना चाहिए वाजिब तो छुट्टियाँ मिल जाती, छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, पर क्या है कि कई अननेसेसरी नहीं मिले घूमने फिरने की, ना इसकी ना उसकी, उसकी नहीं मिलती होगी ना। तो अब वो एक साल की तो ट्रेनिंग है ही सही, 9 महीने। और कहाँ कहाँ घुमाते हैं उसमें, कुछ फील्ड पे भी लगाते होंगे? बिल्कुल, अब जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो हम मंडला भी गए थे, जब वहाँ पे सामाजिक कुंभ मेला हुआ था वहाँ ड्यूटी लगी थी, है ना, होली की ड्यूटियाँ भी लगी थी अलग अलग ज़िले में, मंडला और अपने जबलपुर भी गए थे, भेड़ाघाट वगैरह। तो ड्यूटी लगाते हैं ट्रेनिंग पे? थाने पे हमारी तो खैर नहीं लगी है, हमारी तो सभी के साथ में, पर जैसे कहीं किसी ज़िले में गए तो वहाँ से किसी थाने पे भेज दिए एक टीम को, तो वहाँ से वो लग जाते हैं। सही है ऐसा। और फिर ट्रेनिंग के बाद में जस्ट पोस्टिंग? ट्रेनिंग के बाद में यहाँ आया तो यहाँ से फिर तराना थाना मिल गया, फिर यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, तराना तहसील है, तो 5 साल वहाँ भी ड्यूटी करी, बढ़िया। पर ये है अपने हर काम में ईमानदारी रखो ना तो कभी परेशानी नहीं आती है। सही, तो बस 12 साल की नौकरी में आज तक सिर्फ ईमानदारी से काम, भाई जो भी अपना काम है, जितने अपने को घंटे मिले हैं उस दौरान अपना काम पूरा करो, सवाल नहीं बनने दो, अधिकारी हमारा सवाल ना पूछ पाए कि ये क्यों मतलब रह गया, तो फिर वहीं आप फेल हो। तो बस यही हमारा उद्देश्य यही है कि हमें जो टाइम मिले हैं ड्यूटी के तो हमें उस टाइम में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना है, बाकी का जो फिर हमारा ही टाइम है उसमें हम चाहे दौड़ लगाएं चाहे हम कुछ भी करें। सही बात है, सिर्फ गलत काम को छोड़ के। पुलिस की नौकरी वास्तव में बहुत ज़्यादा मैंने देखा अनुशासन वाली होती है, इसीलिए वर्दी मिलती है, और यही वजह है कि पुलिस को सबसे ज़्यादा अहमियत भी, मेरे मैं खुद भी पुलिस को सैल्यूट करता हूँ, विकास भाई के लिए भी और पूरी पुलिस के लिए, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ ना पुलिस बनने के, मेरे भी आस थे हर बच्चे की तरह कि सब इंस्पेक्टर बने, DSP बने, और अब जो किस्मत में रहता है फ्रेंड्स सब वही मिलता है। मेरे से ज़्यादा क्रेज तो मेरे परिवार वालों का था। सही, घर पे कितनी खुशी हुई होगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो परिवार की जो हिस्ट्री है वहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं था, पूरी हिस्ट्री में पहला पुलिस वाला मैं था, तो अब समझ लो खुशी का। सही है। तो विकास भाई अब जैसे 10 साल हो गए, अब तो प्रमोशन का क्या रहता है? प्रमोशन क्या है कि अभी स्टार्ट तो हुए हैं, 10 साल वालों को कई जिलों में मिल भी गए हैं, यहाँ भी मिल जाएंगे 1-8 साल के अंदर अंदर, देखो ऐसा हाँ हो जाएगा। तो ये जैसे अगला प्रमोशन हेड कांस्टेबल का होगा? हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में क्या फर्क रहता है इनके दायित्व? हेड कांस्टेबल में आप विवेचना अधिकारी बन जाते हो, विवेचना करने लगते हो आप, जाँच करने लगते हो, तो बस ये है कि जो हेड कांस्टेबल रहता है ASI रहते हैं, विवेचना अधिकारी हो जाते हैं ये। हाँ, और थोड़ा पावर आ जाती है अपन, बस यही है, और थोड़ी और शक्तियाँ जो रहती है वो हाँ, मिल जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक दायरा बढ़ जाता है काम करने का, जो साइन बोलते हैं चिड़िया मारने की शक्ति बढ़ जाती है। यही रहता होगा है ना? सही है, तो अच्छा है, बढ़िया है। और फ्रेंड्स आपको एक बड़ी खास चीज़ बताऊंगा, हमारे जो विकास भाई हैं इनको गाने का बहुत शौक है, इनके कुछ YouTube पे वीडियोस भी हैं, और इनका एक स्टूडियो में, प्रॉपर एक स्टूडियो में जाके इनने गाया है, और जो कि बहुत ही सुंदर गाया, मैंने खुद भी एटलीस्ट मैंने 5-7 बार सुना होगा इनका जो गाना। तो फ्रेंड्स ये दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के।
देखा फ्रेंड्स आपने विकास भाई ने कितना अच्छा गाया गाना। तो फ्रेंड्स क्या विकास भाई आप थोड़ा खुद भी यहाँ पे गाने, मुझे पता है कि स्टूडियो की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगी, पर फिर भी जो स्टूडेंट्स को आप अपनी आवाज़ जो अभी मेरे इस माइक से कुछ सुनाने की, तो आप वो करिए जरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा गाना गाओगे बताओ? अभी एक जो नया गाना आया है सवाई भट्ट का, वो गा देते हैं क्या? कौन सी पिक्चर का एल्बम है? हेमेश रेशमिया की। अच्छा, हेमेश। उस लिरिक्स निकाल लेता हूँ मैं। अच्छा गाना है। मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है मेरे हम सफर, रब से है ये गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र। आ देर ना जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। वाह यार विकास भैया, एक आवाज़ में यार एक बहुत ज़्यादा लय थी यार वो, मैंने खुद ने पहले इतनी अच्छी आवाज़ बहुत टाइम बाद सुनी मैंने। तो एक बात बताओ यार, ये टैलेंट कहाँ से आया ये अभी गाते गाते? कहीं नहीं, पिताजी भी जैसे कि भजन मंडली में गाते रहते हैं, हालांकि वो भी सर्विस करते हैं सिंचाई बाग में वो। हाँ। पर यू भी साइड में वो भी भजन मंडली में गाते रहते हैं, तो ये समझ लो पैतृक गुण हैं। हाँ। कुछ भी समझ लो, इनहेरिटेड है ये आवाज का। पर वास्तव में यार बहुत अच्छी आवाज थी। तो अभी मतलब जो एक इसको प्रोफेशनल मतलब एक साइड अपना कुछ भी टैलेंट के हिसाब से इसको ला रहे हो आप स्टूडियो के माध्यम से, जैसा कि अभी गाने में देखा, तो किस टाइप से मतलब स्कोप आप बताइए, तो हमारे को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें। पर अभी तो खैर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा पहले, वो ज़्यादा पहले तो पढ़ाई अपना लाइव बनाओ। हाँ। सबसे पहले तो अपनी लाइव बनाओ। हाँ। क्योंकि अपने जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले बच्चों में यही देखते हैं कि हमारा बच्चा मेरे रहते हुए सक्सेस हो जाए। सही है। अपन इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो फिर हो सकता है कि पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब तो होगा यदि अपन इस लाइन में आएंगे तो। तो मेरे हिसाब से तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दो और एक कोई अच्छी पोस्ट लो, उसके बाद आप अपना जैसे शौक पूरा करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपना शौक पूरा करना है, ईमानदारी से ड्यूटी, ईमानदारी से परिवार को टाइम देना है और ईमानदारी से ही अपनी जो आत्मा है उसको संतुष्ट करना है बस। सही है। कुछ नहीं करना है। पर यार गाना तो यार वास्तव में जो अच्छा गाते हो यार, तो आगे कुछ क्या है इंडियन आइडल जाने का? नहीं, इंडियन आइडल तो नहीं, बस ही ऐसे ही। नहीं जा सकते हैं इस पे तो, अधिकारी परमिशन भी दे, अभी कितनों को पुलिस वालों को किसी को केबीसी में नंबर आ जाता है, कॉल आ जाता है, और वो कौन कौन से रोडीज में भी जाते हैं पुलिस वाले, मैंने देखा है रोडीज। हाँ, में भी जाते हैं। तो फिर इंडियन आइडल सोच के रखा होगा, ये तो हर सिंगर का सब ड्रीम रहता है। नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। सोच लो, आज मैंने दिमाग में डाल दिया। मैंने तो अभी तक तो नहीं सोचा है, सिर्फ ये है कि गुनगुनाते रहते हैं, इससे क्या है कि जो अपना सरकारी वर्क है, जो भी काम है अपना, वो अच्छे से हो जाता है, एक बोरिंग फील नहीं होता है बस। ये बोरिंग तो ठीक है चलो, पर मैं इंडियन आइडल का इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई पुलिस का नाम रोशन हो जाएगा, भले एटलीस्ट वहाँ पहुँच गए, जो भी उसकी स्टेजेस होती हैं, जो उससे आगे जाओगे बिल्कुल तो नाम तो रोशन होगा। अब जहाँ महाकाल बाबा ले जाएंगे बस। सही बात है। कर्म कर रहे हैं फल, वैसे भी गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, हम तो कर्म कर रहे हैं बस। हाँ सही बात है। पर अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना मेरे स्टूडेंट्स जो है, मैं भी इनफैक्ट सब हर कोई देखने वाला चाहेगा कि एक बार यार इंडियन आइडल में भी दर्शन दो यार सबको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भगवान जैसा चाहेंगे वैसा। नहीं, फिर इस टाइप के अच्छे काम करो ना तो अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमपी पुलिस का नाम जुड़ा हुआ रहेगा इसमें। बिल्कुल, अभी तक तो 12 साल की नौकरी में मतलब जितने भी अधिकारी मिले हैं सब बहुत ही अच्छे अधिकारी मिले हैं और सब ने बहुत सपोर्ट करा है। सही है। हर मामले में, चाहे छुट्टी का मामला हो, चाहे काम का मामला, किसी भी प्रकार से सपोर्टेड अधिकारी मिले हैं और स्टाफ भी अच्छा मिला है अभी तक। सही है। अच्छा यार, अच्छा स्टाफ रहे, सब कुछ एक बॉन्डिंग रहती है ना प्रॉपर, तो एक बहुत बिल्कुल, अच्छा माहौल बन जाता है, ऑफिस भी घर जैसा लगता है, कभी कभी फिर घर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है यार। बस यही है कि जो मन करे वो काम करो अपना। सही बात है।
तो विकास भाई, फिर कुछ स्टूडेंट्स को आप अच्छी कुछ टिप्स दो यार आखिरी में, जो अच्छे मोटिवेट हो जाए, और अभी जो कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम आने वाली है खासकर उसके लिए बच्चों की बैटरी चार्ज कर दो, क्योंकि कोरोना के टाइम से ना उसके बाद जो डिमोटिवेट हुए, फ्रस्ट्रेट हो गए ना बच्चे, वो एक कांस्टेबल की और कुछ दो चार एग्ज़ाम आने वाली है उनके भरोसे ही सब बच्चे बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट तो आरक्षक पद में ही आएगी, तो फोकस वही रहेगा। देखो बिल्कुल, क्या है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो उनसे पूछो कि वैकेंसियाँ जब एक साल या दो साल नहीं आती हैं तो थोड़ा उनका मन उदास हो जाता है, पर उनको अपनी तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारी उनको पूरी करना चाहिए। जैसे कि शुरू से उन्होंने शुरुआत करी थी वैसे ही उनको अंत तक ले जाना है। उनको मतलब दिमाग में वो चीज़ नहीं आना चाहिए कि इस साल भी जगह नहीं आई है, अगली साल भी आने की संभावना नहीं है। तो कई लड़के तो इस हिसाब से भी पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और वो वहाँ वो गलती करते हैं। तो उनको पढ़ाई तो नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई क्या है कि ठीक है, पढ़ाई तो हर चीज़ में मतलब फ़ायदा पहुंचाएगी। आपको यदि जॉब नहीं भी मिलेगी तो वो अन्य चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाएगी, तो पढ़ाई कोई बेकार तो जाती नहीं है। तो पढ़ाई ये भी नहीं कि नौकरी, ठीक है नौकरी के लिए भी पढ़ो, पर अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए भी पढ़ाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर चीज़ पढ़ो, और इसी दौरान आपका भले लक्ष्य हो या ना हो तो भी आपको लक्ष्य वो मिल जाता है यदि आपकी पढ़ाई रनिंग में रहेगी तो। सही, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, सुबह हमको इतने बजे जागना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगो सुबह 4:30 बजे, और अपना एक टाइम टेबल बना लो, जैसे कि आपने भी बनाया होगा टाइम टेबल अपने पढ़ाई के दौरान। एक टाइम टेबल बना लो कि हमें इतने बजे जागना है, इतने बजे ग्राउंड जाना है, और इतने बजे हमको नाश्ता करना है, इतने बजे कोचिंग जाना है, और इतने बजे मेरे को क्या बोलते हैं फिर से नहाना है, धोना है, कुछ भी जो भी है, और अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो हर घंटे के हिसाब से। तो मेरे मतलब मेरा मानना है कि यदि टाइम टेबल से पढ़ोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल सही है, एक प्रॉपर मेहनत लगती है इसमें और व्यवस्थित लगती है टाइम। जैसे अपन बोलते हैं ना कि पानी में अगर किसी को फेंक दे ऐसे हाथ पांव मारने से तो डूब जाएगा, व्यवस्थित कोई हाथ पांव मारेगा। कई लोग क्या है कि बीच से पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं 18 साल का हो गया और मैंने तैयारी करना शुरू कर दी, मैंने आपका संग पकड़ लिया, और आपका संग आप क्या है कि आप बहुत आगे पहुंच गए हैं, तो आप क्या जहां आपका अभी वर्तमान है वो वहां से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा भी नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी घर के अंदर करो, हालांकि उसके साथ भी रहो जो अच्छा मतलब पढ़ाई करने वाला है या अपना अच्छा दोस्त है, उस वो क्या पढ़ रहा है उसको भी देखो, और उसके बाद अपन अपने स्तर से भी पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है हमें उनके स्तर पे पढ़ाई करना है, अपने स्तर पे, क्योंकि जो अपने स्तर पे पढ़ाई करता है वो वाकई में कुछ कर जाता है। और ईमानदारी रखो हर चीज़ में, ऐसा भी नहीं कि कई लोग रहते हैं पढ़ाई तो करते हैं पर कई लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। तो यदि वो चीज़ हो गई अपने दिमाग में, वो चीज़ आ गया कि हमें दिखाने के लिए सब कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से जो चीज़ आपको एक साल के अंदर अंदर मिलनी रहती है वो आपको फिर 5 साल लग जाएंगे उसके लिए। तो दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर मान लो नीनी करते अगर कोई 20,000 आरक्षक के पद भी आ गए तो 5 से 10 लाख बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सामने वाले को अपने से ज़्यादा वो मत समझो, सामना के भाई यारे हम कर ही नहीं पाएंगे यार, ये तो इसकी तो इतनी पुरानी तैयारी फिर भी नहीं हो रहा है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना तो वो समझ लो तुम्हारा खूंटा है, वहाँ आप बंद के रह गए। सही बात, आप कर सकते हो, भले उसने तैयारी करी, हो सकता है कि उसकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉइंट हैं, वो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि जब 5 साल से वो पढ़ रहा है और नहीं लग पाया, वो कुछ कमी होगी, और यदि आप उसकी होड़ करोगे तो फिर वो 5 साल आपको भी लग जाएंगे। तो अपन को 5 साल नहीं, 1 साल 2 साल के अंदर अंदर जॉब लेना है, क्योंकि जितनी कम उम्र पे जॉब लगती है उसके फायदे अलग ही होते हैं। सही बात है, कम उम्र पे लग जाए तो। अब आगे की तैयारी कर रहे हो कि नहीं विकास भाई? बिल्कुल, MPSI चल रही है, सिर्फ MPSI। तो अब तो पुलिस का भी उसमें फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल, 15% का है रिजर्वेशन रहता है। हाँ, तो कितने साल की मिनिमम सर्विस करनी पड़ती है वो रिजर्वेशन पाने के लिए? उसमें 6 साल की रहती है, 6 साल की सर्विस जो पुलिस में हो ऑलरेडी। हाँ, कर सकता है वैसा ही की। तो जो आरक्षक पद के हैं वही करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो आरक्षक हैं वो 15% मिल जाता है। हमारे कई मित्र जो इसी बेस पे सब इंस्पेक्टर बन भी गए हैं,
2014 में बिल्कुल नहीं पढ़ पाया क्योंकि एक तहसील स्तर वहाँ पे इतना स्कोप भी नहीं था और सेल्फ स्टडी भी इतनी, क्योंकि थाने पे तो आप समझ लो कितना टाइम मिलता है। बस यही है कि थक भी जाते हैं वहाँ, बहुत ड्यूटी बहुत थकाने वाली रहती है। हाँ, इतनी तराना में थोड़ा अपनी पढ़ाई है वो डाउन हो गई थी। बाकी फिर उज्जैन पोस्टिंग जैसे हुई महामारी, तो यहाँ एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ भी मैंने लगा लिया था कुछ समय के लिए। फिर थोड़े से फिर टाइम नहीं मिला, फिर उसके बाद अभी सेल्फ स्टडी चल रही है। सही है, बस सेल्फ स्टडी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर तो सेल्फ स्टडी करने में ही फ़ायदा है। कोचिंग में तो खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी सेल्फ स्टडी करो। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर तो सेल्फ स्टडी से ही होते हैं, कोचिंग में तो बस ऐसे ही है कि आपको आधा घंटा बिठा लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, थोड़ा समझ लो वहाँ क्या कंपटीशन की भावना होती है। क्या है कि अपन जैसे घर में पढ़ते हैं तो अकेले रहते हैं, अकेला दिमाग शैतान का। ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इतना पढ़ लोगे। वहाँ क्या है, कोचिंग में एक अपनी बराबरी के लोग, कई लोग हैं कंपटीशन वाले मिल जाते हैं, तो वहाँ एक भाव उत्पन्न होता है ना अपना कि यार ये कहीं आगे नहीं निकल जाए अपने से। और फिर तरह तरह के जो बच्चे आते हैं, जो लड़के आते हैं तैयारी करने वाले, वो अपना बताते हैं कि हम इस प्रकार से करते हैं, कोई अपने प्रकार का बताता है, तो उसमें से जो सबका उसमें से देख लो किसका प्रकार अच्छा है, उसको अपना लो, अपने से जो बेटर हो। बस सही बात है, अपने से जो बेटर, जैसे हमें आपका जो पढ़ने का तरीका है मेरे से अच्छा लग रहा है, अपना लो, क्या दिक्कत है। भावना तो आती है कोचिंग के कारण ना, कोचिंग में कंपटीशन की भावना रहती है। सेल्फ स्टडी में ठीक है टाइम मिल जाता है, अपना आने जाने का टाइम जो है मतलब कोचिंग में जैसे आने जाने का टाइम खर्च होता है वो बच जाता है सेल्फ स्टडी में। मैंने पता क्या किया था, जब मेरे को तैयारी करनी थी तो एक पहली बार तो मेरे को कुछ आइडिया था नहीं, पीएससी की कर रहा था, तो कोचिंग 2 महीने गया, मैं समझ गया कि यार ज़्यादा कुछ कोचिंग में होता नहीं है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। तो उस दौरान मैं अपना कंपटीशन भी समझ गया, सीख लिया, और उसके हिसाब से फिर बीच बीच में नहीं करते, कोई ना कोई ऐसी दूसरी वैकेंसी आती रहती थी जिसके लिए मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था, या तो पीएससी तो आती थी हर साल मेरे टाइम में 14-15-16 में। तो हमेशा अनुभव रहता था मेरे को कि यार कंपटीशन तो बहुत है, और फ्रेंड्स आप भी समझ ही जाओ इस चीज़ को, जानते भी कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो देखो है, और अभी तो और ज़्यादा कंपटीशन है। अभी तो आपको मतलब एक युद्ध स्तर की तैयारी करना है, जैसे कि युद्ध होने वाला है, कभी यदि कोई वैकेंसी आएगी जैसे कॉन्स्टेबल की आने वाली है, और अभी शायद एसआई की भी आएगी ही, सही खैर इसके बाद तो एक युद्ध स्तर की तैयारी करना है तभी हो पाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना हमारे ही परिवार में बहुत, हमारा ही जो छोटा भाई है कजन, बहुत तैयारी, वो भी मतलब एक अच्छे से तैयारी कर रहा, उसने भी मेंस निकाली है इससे पहले वाली पीएससी मेंस, तो वो बताता रहता है कि किस स्तर की वो पढ़ाई कर रहा है। हालांकि हम तो सिर्फ एमपीएसआई तक ही सीमित हैं, पीएससी पर वो नौकरी के साथ भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। और अब क्या है कि अब परिवार वाले हो गए हैं, शादी भी क्या है कम उम्र पर हो गई थी 22 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद फिर बच्चे वगैरह हो गए, तो अब फिर वो चीज़ घटने लगती ना। एक जब सिंगल रहता है तो वो जो पढ़ाई करता है वो फैमिली वाला नहीं कर पाता उतना। सही बात है। पता चले कि अपन पढ़ने बैठे और उधर दूध खत्म हो गया, फिर लेने जा रहे तो फिर ये है कि पढ़ाई छोड़नी भी नहीं चाहिए, यदि फैमिली वाले भी हो गए तो पढ़ाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि भले तैयारी नहीं कर रहा हो तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो काम आएगी सही, और जितना ज्ञान बढ़ा होता तो अच्छा है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी तो 39 साल में ही इतना सब कुछ करके चले गए। सही बात है, तो समझ लो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने विकास भाई का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, मुझे खुद को कभी कभी ऐसा लगता है यार कि हर पुलिस वाले का जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो लगता है मैं खुद ऐसा है या पीएससी वीएससी की तैयारी करने लग जाऊँ मैं। फ्रेंड्स, विकास भाई का जो इंटरव्यू बड़ा ही जोरदार रहा, तो विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और बच्चों को मोटिवेट किया, और गाने का टैलेंट भी आपने बताया उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिएगा, जय हिंद। जय।